स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम. सो टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है माई शेडो. माई मीन्स मेरी और शेडो मीन्स परछाई, मेरी परछाई. सो लेट्स स्टार्ट. डू यू नो व्हेन एवर देयर इज अ लाइट समवन फॉलोज यू, हैव यू एवर वंडर्ड यू हु इज इट? तो जब भी लाइट होती है तब कोई आपको फॉलो करता है. क्या आपने कभी वो महसूस किया है? क्या आपको ऐसा कभी लगता है किसने आपको फॉलो किया है? सो रीड एंड एन्जॉय. आई हैव अ लिटिल शेडो डेट गोज इन एंड आउट विथ मी, एंड वट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी. ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. And I see him jump before when I jump into my bed. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. And he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. So, hum meaning samjhenge. I have a little shadow that goes in एंड आउट विथ मी. मेरी एक मेरे पास एक परछाई है जो मेरे से कभी मेरे से अंदर आती है, कभी मेरे में से बाहर जाती है. एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और उसका यूज़ क्या होता है, उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे देख ही सकता हूँ, उससे ज़्यादा उसका यूज़ क्या कर सकते हैं? ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. और वो जो परछाई है वो सेम टू सेम मेरे जैसी है. मेरे हील्स से, मेरे पैर से लेकर मेरे हेड तक वो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखती है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. और जब भी मैं अपने बेड में जंप करते हुए जाने लगता हूँ तभी मैं देखता हूँ कि वो मुझसे पहले जंप करके मेरे बेड में आ जाती है. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. और इसमें इसकी जो सबसे मज़ेदार जो फनीएस्ट थिंग जो बात है वो ये है कि वो जिस तरह के जो बढ़ती है, जिस तरह से वो बढ़ना पसंद करती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी सो. और किसी एक चिल्ड्रन, किसी एक बच्चे की तरह नहीं कि जो एकदम धीरे से बढ़ता है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल. और कभी कभी तो वो इस तरह से बढ़ जाती है, इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि इंडिया रबर बॉल की तरह जैसे होती है वैसे ही वो टॉलर लंबी हो जाती है. एंड ही समटाइम गेट्स सो लिटल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी तो वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसके जितना छोटा तो कोई हो भी नहीं सकता. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप. एक दिन सुबह में सन के पहले से I was up, मैं उठ जाता हूँ. I rose and found shining dew. मैं जगता हूँ, उठ जाता हूँ और फिर मैं shining dew जो बूंदे होती है उसको found करने लगता हूँ on every buttercup. buttercup एक yellow color का फूल होता है. every buttercup पे वो मैं shining dew को found करने लगता हूँ. but my lazy little shadow like an errant sleepy head. पर मेरी जो lazy जो आलसी जो शेडो है वो अभी भी सो रही होती है. हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट असली पिन बेयर. और वो अभी भी मेरे पीछे ही है, मेरे होम में जो अभी भी सो रही है. तो इस स्टोरी में, इस पोइम में शेडो के एक बच्चे की शेडो के बारे में बात की गई है. ओके, उसके बाद हम न्यू वर्ड्स देखेंगे. सो न्यू वर्ड्स में है, फर्स्ट है इंडिया रबर बॉल. तो इंडिया रबर बॉल का मीनिंग क्या होता है? एक गेंद, अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई. मीन्स एक गेंद जो बहुत ही अधिक उछल सकती है, बहुत ही अधिक उछल सकती है वैसे टाइप की एक बॉल. उसके बाद है बटर कप.
बटर कप का मीनिंग होता है, और येलो फ्लावर एक पीले रंग का फूल। उसके बाद है एरंट, एरंट का मीनिंग होता है बैड मीन्स खराब। उसके बाद है एरंट स्लीपी हेयर, कंप्लीटली इंटेंटिव पूरी तरह से और सावधान। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, हु डू यू थिंक शैडो लुक्स लाइक, मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी शैडो किसकी तरह दिखती है। तो आंसर इज आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, मुझे लगता है कि मेरी परछाई मेरी तरह दिखती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जंप्स इनटू बेड बिफोर यू कैन, व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जंप्स इनटू द बेड बिफोर यू कैन, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो आपकी जो आपकी जो शैडो है वो आपके पहले से ही बेड में जंप कर देती है। तो द आंसर इज व्हेन आई गो नियर माई बेड माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर कैन गेट इन टू द बेड, मतलब जब भी मैं बेड की तरफ जाता हूँ तभी जो मेरी परछाई वो मुझसे पहले ही बेड पे आ जाती है, फॉल्स हो जाती है। उसके बाद है थर्ड, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट बाय, वो क्या लगता है कि दिन में से मतलब डे में से ऐसी कौन सी टाइम है जो जिसमें आपको आपकी शैडी आपकी जो शैडो है वो सबसे टॉलेस्ट सबसे लंबी लगती है और क्यों। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे गए मॉर्निंग आफ्टरनून के नाइट, तो यहाँ पे आंसर इज मॉर्निंग, मॉर्निंग में हमारी जो शैडो होती है वो सबसे लंबी लगती है। क्यों, आवर शैडो इज द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग बिकॉज द सन रेज आर स्लेटिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। ओके, उसके बाद यहाँ पे रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे पोएम में से दो लाइन दी गई है, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, वो बिल्कुल मेरे जैसा है मेरे पैर से लेकर मेरे हेयर तक। यहाँ पे तीन क्वेश्चन दी गए, उस पर से हमें लिखना है वाई डज सॉरी हु डज ही रिफर टू, हु डज ही रिफर टू, मतलब जो ही है यहाँ पे जो ये ही है वो ही किसके लिए यूज़ किया गया है, किसके लिए रिफ़र किया गया है। तो यहाँ पे जो ही है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो जो शैडो है उसके लिए यूज किया गया है, ही रिफर्स टू शैडो, ही रिफर्स टू शैडो, ही जो है वो शैडो के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद है हु डज मी रिफ़र टू, हु डज मी रिफ़र टू, और जो मी है यहाँ पे मी जो है वो किसके लिए रिफ़र किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है, तो मी जो है वो जो पोएम की जो स्पीकर है जो पोएम जिस जो बता रहे हैं उसके लिए वो यूज़ किया गया है, मी रिफर्स टू द स्पीकर इन द पोएम, मी रिफर्स टू द स्पीकर इन द पोएम। लास्ट वन इज व्हाई आर ही एंड मी अलाइक, व्हाई आर ही एंड मी अलाइक, मतलब कि ही और मी वो दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं, ही मतलब जो शैडो है वो और मी मतलब जो जिसके जो ये पोएम कह रहा है वो दोनों एक जैसे क्यों दिखते हैं। तो द आंसर इज ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे लुक्स एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, मतलब वो दोनों ही जो एक दूसरे की तरह ही सेम टू सेम दिखते हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह ही वो दिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया है अलाइक के, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की तरह सेम टू सेम दिखते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हमने माई शैडो पोएम सीखी और उसके बाद उसके हार्डवर्क्स देखे और उसके क्वेश्चन आंसर भी देखे, और उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस पोएम और इस चैप्टर की वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।